सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास दसवीं मैथ का एक्सरसाइज 7.1 और यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होने वाला है 7.1। लेकिन 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 इसको करने से पहले हम जो है थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था उसको और यहाँ पर बात को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में कोई समस्या ना हो। देखो, इस अध्याय को करने में हमको जो है दो फॉर्मूले लगने वाले हैं जो हमने बेसिक वाले वीडियो में पढ़ा है उसका हम यहाँ पर रिमाइंड कर लेते हैं। तो दो फॉर्मूले कौन से हैं? किसी भी ग्राफ पर यदि हमारे पास दो बिंदु हो, ठीक है, मान लो कोई बिंदु ए है x1 y1 और दूसरा बिंदु है बी x2 y2। ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? इसके बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है जो हमने बेसिक वाले वीडियो में बात किया था। ए बी बराबर जो निकल के आता है वो आता है x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक तो ये निकल के आता है। दूसरा जो निकल के आता है ए बी बराबर, थोड़ा सा यही फॉर्मूला है, दूसरा नहीं है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में से किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा हम अभी समझा देंगे इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर 9th में पढ़े हो तो पता होगा, नहीं भी पता है तो भी समझ में आएगा, बस बने रहो यहाँ। दूसरा फॉर्मूला क्या लगने वाला है? दूसरा फॉर्मूला हमारा लगने वाला है, यहाँ से हमको अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोल दे, ये हो गया हमारा मूल बिंदु O। यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर मान लो A है, अगर हमको OA निकालने के लिए दे, ये बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है या xy ही मान सकते हैं। अगर हमको OA बोले निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है x² + y²। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं। तो कैसे समझेंगे, हमारे पास दिया का क्या रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, और ज़रा बात कर लें। तो अब आज हम क्वेश्चन के बारे में बात कर ले जो पहले एक्सरसाइज का पहला नंबर का क्वेश्चन है, ताकि ये जो बातें हैं थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो दो बिंदु है हमारे पास, 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ से हमको लिखना है, माना कि दो बिंदु, पहला मान लेते हैं ए, 2, 3 है हमारे पास, तथा बी 4, 1 है हमारे पास, ये दो बिंदु हैं। ठीक है, अब यहीं पर हमको बात समझना है, हमको जरूरत है यहाँ से x1 x2 y1 y2 की, तभी हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रख करके पुट करके हम मान निकाल सकते हैं। ये जो पहला वैल्यू है ना, ये दो, ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1। इसी तरीके से बी मान जाएंगे, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, हमको निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि निकालना है ए बी। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया, फॉर्मूला बताया हमने x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमने बताया, x1 का मान बताओ कितना है, 2 है, तो 2 माइनस x2 का मान कितना है, 4, तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना है, 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, 1 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, आ जाओ जी। अगर 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास √8। इसको बाहर निकालने जाएंगे तो ये निकल के आएगा 2, या थोड़ा देख ही लो, 8 को करेंगे तो 2 × 2 × 2 यहाँ से आ जाएगा 3 बार में। अब यहाँ से 2 मिल के 1, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 आंसर। ठीक है, तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, आओ ज़रा। दो बिंदु फिर से दिया हुआ है, -5, 7 और -1, 3। तो लिख लेंगे हम, माना कि ए -5, 7 तथा बी -1, 3 दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु है।
ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। फॉर्मूला बता दो जरा क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। आ जाओ जी, अब बताओ यहाँ से ये पाँच हो जाएगा एक्स वन, सात हो जाएगा वाई वन, एक हो जाएगा एक्स टू और तीन हो जाएगा वाई टू। ठीक है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू करना है, तो एक्स वन का मान कितना है यहाँ से माइनस पाँच, और एक्स टू का मान माइनस का एक है, कितना है माइनस का एक है, इसका करेंगे होल का स्क्वायर प्लस वाई वन का मान है सात और वाई टू का मान है माइनस का हो जाएगा यहाँ से तीन, इसका करेंगे होल स्क्वायर। आ जाओ जी, ये हो जाएगा माइनस पाँच, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का एक, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सात में से तीन घटाएंगे ये होगा चार का स्क्वायर। इधर आ जाओ, माइनस पाँच में से एक घटा दिए तो क्या होगा, एक हटा लेंगे प्लस वाला तो क्या हो जाएगा माइनस चार का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। अब चार का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन, और प्लस ये भी हो जाएगा सिक्सटीन। अब सिक्सटीन और सिक्सटीन जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट अंडर थर्टी टू। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर थर्टी टू को क्या लिख सकते हैं, दो गुने सिक्सटीन लिख सकते हैं। अब सोलह यहाँ से बाहर निकल जाएगा, सोलह बाहर निकल के चार बन जाएगा, ये चार हो गया, रूट दो अंदर फंस गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, देखो ईजिली कर रहे हैं ना। चलो जी, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माना कि ए ए बी तथा बी माइनस ए माइनस बी दो बिंदु है, दो बिंदु है, हमको निकालना है ए बी। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ये वाला वैल्यू एक्स वन हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है वाई वन हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x1 का मान है a, देन x2 का मान है यहाँ से माइनस का a, माइनस का ऐसे ऐसे लिखना है, प्लस y1 का मान है b, माइनस का y2 का मान है माइनस का b, ये करेंगे इसका स्क्वायर बराबर। देखो जरा से यहाँ से a हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये a का होल स्क्वायर प्लस b हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बी, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास ए और ए क्या हो जाएगा टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी और बी हो जाएगा टू बी का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब देखो याद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चार ए स्क्वायर प्लस चार बी स्क्वायर, चार कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चार है तो चार बाहर निकल के क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 7.1 का पहला क्वेश्चन था ये अपना यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कुल मिला के बात करें इस क्वेश्चन में तो ये ग्राफ को देखेंगे तो 0 यहाँ पर होता है, और कोई एक बिंदु यही मान लो एक्स वाई जहाँ पर है, यहाँ पर ये 36.15 है, कितना है 36.15 है। तो यहाँ से ओ ए हमको ज्ञात करना है, जब ओ ए ज्ञात यानी मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से हमारा दूरी निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्स हो गया और ये हो गया हमारा वाई, यानी 36 हो गया हमारा एक्स और 15 हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे हम मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कर लेंगे 36 का स्क्वायर प्लस, और वाई बराबर है 15 तो 15 का स्क्वायर बराबर, 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा देखो करके, 36 का स्क्वायर करेंगे 36 तीन छत्रिक 18 तीन इक्कीस 216 छत्रिक 18 एक तीन तीन नौ एक 10 का 0 हासिल 1 छः 9 2 1 1296 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 का हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 6 5 11 9 1 10 2 12 2 हासिल 1 2 4 5
ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1521। तो कहने का मतलब है ये कितना मूल बिंदु से दूरी हमारा कितना निकल रहा है, 1521 निकल रहा है। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर करेंगे, इसका फैक्टर करो और रूट से बाहर करोगे तो ये निकल के आएगा 39। कितना 39 यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है, कौन सा, देखो हमारे पास दो बिंदु है, एक तो 0 0 है, मान लेते हैं ये ए है, फिर दूसरा बिंदु है हमारे पास 36 और 15, मान लेते हैं ये बी है। दो बिंदु हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, तो ए बी अगर निकालना है तो पहले वाला फॉर्मूला बता दो जरा कौन सा था, हमारा था x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ पर देखो 0, y1 का मान यहाँ से 0, x2 का मान हो गया 36 और y2 का मान हो गया यहाँ से 15। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x1 का मान क्या है, 0 है, 0 माइनस x2 यानी कि करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान यहाँ से 0 है माइनस y2 करेंगे तो ये माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा हमारा, माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 में से 15 घटाएंगे तो फिर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बात वही निकल के आया, 36 36 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 1296 प्लस 15 15 ये कितना हो जाएगा 225, ये निकल के आएगा हमारे पास 1521 रूट अंडर में, और ये निकल के आएगा हमारा 39। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि बिंदु 0 0 से 36 15 के दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे ना, ये जो दिया हुआ है अगर ओ ए निकाल ले यहाँ या ए बी निकाल ले यहाँ, इसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो ए बी निकाल ले, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा हमारा 39 यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।